Tschüss. तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है 5G नेटवर्क के ऊपर कि 5G नेटवर्क हमारे इंडिया में इस दिसंबर या अगली जनवरी में लॉन्च होने वाला है और ये इसको जियो लॉन्च करने वाला है। तो इसके ऊपर कुछ सवाल निकल के सामने आए हैं, उनका सवाल का हम लोग जवाब देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल निकल के आता है वो है 5G नेटवर्क की स्पीड के बारे में। तो नॉर्मल स्पीड हमारे 4G नेटवर्क की कुछ 20 MBPS होती थी और हमारे 5G नेटवर्क की नॉर्मल स्पीड होने वाली 400 MBPS। तो आप सोच सकते हैं कि 5G 4G से कितना ज़्यादा एडवांस होने वाला है। हमारा जो दूसरा सवाल निकल के आता है वो है सिम की प्राइस के बारे में। तो हमारा सिम का जो प्राइस होने वाला है वो 500 तक हो सकता है। अभी नॉर्मल आप अगर जियो 4G का सिम लेने जाएंगे तो कुछ 399 में सिम का रजिस्ट्रेशन के साथ वो दे देते हैं। तो 500 तक आपको रजिस्ट्रेशन के साथ वो सिम मिल जाएगा, 5G सिम। और हमारा चौथा जो सवाल निकल के आता है वो है मोबाइल के ऊपर कि हमारे इंडिया में 5G मोबाइल अवेलेबल है कि नहीं है। तो जी हाँ गाइस, हमारे इंडिया में 5G मोबाइल अवेलेबल हैं और वो अभी कमिंग सून पे हैं। जैसे ही 5G नेटवर्क लॉन्च होएगा तो तुरंत वो सारे मोबाइल भी लॉन्च कर दिए जाएंगे। और हमारा अगला सवाल जो निकल के आ रहा है वो है डाटा पैकेज के ऊपर। तो डाटा पैकेज कुछ हमारे 4G नेटवर्क का है 23 GB पर मंथ। तो हमारे 4G नेटवर्क का डाटा 23 GB पर मंथ है, तो हमारे 5G नेटवर्क का कुछ है सर 27 GB पर मंथ होने वाला है। यानी 4 GB आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी पर मंथ हमारे 5G की स्पीड के साथ। तो इसी के रिलेटेड ये सवाल है कि डाटा पैकेज का क्या प्राइस होगा, क्या वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, 4G से 5G पे हम लोग जा रहे हैं तो जो भी है वो इंक्रीज़ ही होने वाला है। तो डाटा पैकेज का प्राइस कुछ 1000 रुपीज़ तक इंक्रीज़ हो सकता है। 999 का डाटा पैकेज हो सकता है 3 मंथ्स का। और अगला और आखिरी सवाल जो हमारा निकल के आ रहा है वो है क्या जियो फ़ोन 3, इसके ऊपर बहुत सारे ह्यूमर्स और बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, क्या रियल में है कि नहीं। तो अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, ये एक अफवाह भी हो सकती है। तो अगर आप जियो फ़ोन बुक करना चाह रहे हैं और कोई साइट बता रहे हैं तो उसमें मत करिए। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो मत करिए। अगर उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है तो आप जियो फ़ोन 3 बुक कर सकते हैं। वैसे ऑफिशियली तो अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। वैसे यही थे हमारे कुछ सवाल 5G नेटवर्क के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।